पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया ताली बजाओ सरकार जगाओ धरना प्रदर्शन का आयोजन। बाह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही कांग्रेस प्रभारी प्रियंका वारा गांधी के तत्वाधान में चल रहे कार्यक्रम ताली बजाओ सरकार जगाओ के सापेक्ष में आज पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक बाह के तहसील प्रांगण में ताली बजाओ सरकार जगाओ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इटावा बस स्टैंड से ताली थाली बजाते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए आए और उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल है। आवश्यक वस्तु का मूल्य चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस, अनाज, दाल, सब्जी की कीमतें आसमान छू रही है। इस सरकार में व्यापारी, युवा तथा छात्र परेशान है। मोदी और योगी सरकार ने प्रदेश और देश को 20 साल पीछे कर दिया गया। मोदी और योगी को शर्म आनी चाहिए। अगर उनसे देश व अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। धरना प्रदर्शन में सर्व श्री अरुण शर्मा, राजू बिधोलिया, रामसेवक वर्मा, यतेंद्र पाठक, संध्या सक्सेना, अमरचंद, शिवम तिवारी, शिवम शर्मा, शान भाई, अजय तिवारी, शिववीर गुर्जर, रामदास गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए।